दोस्तों ऐसे लग रहा है कि बजट फोन्स आर बैक। आई मीन सीरियसली अब ना हमारे पास आ गए हैं टेक्नो पोवा 5 प्रो। व्हाट अ फोन, मतलब इसकी प्राइस 15,000 की है और क्या क्या आपको ऑफर करता है, इट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। इस वीडियो के एंड तक आप देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कि व्हाट ऑल थिंग्स टेक्नो पोवा 5 प्रो इज ऑफरिंग। लेकिन सिर्फ फोन ही नहीं, बॉक्स भी देखिए ये उन्होंने भेजा हुआ है। आई विल शो यू। सबसे पहले ये इन्वाइट आया हुआ है हमें। Come and witness the grand technology showcase of Techno across product portfolio. तो शायद इनका world of technology day वगैरह है, तो उसके लिए उन्होंने कहा हुआ है। और box देखिए, लेकिन उतना ही नहीं। Look at that lighting. जी हाँ, phone के back के ऊपर भी यही lighting है। वैसे दोस्तों आपको अगर unboxing अच्छी लगती है तो like करना, subscribe करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग आते हैं हमारी unboxing अच्छी लगती है, comment भी करते हैं बहुत अच्छा video, लेकिन subscribe नहीं करते, तो वो मत भूलिएगा। Subscribe अभी कीजिए, और ये video अच्छा लगता है तो like करना मत भूलिएगा। Share this video with your friends as well. That is also very important. Wow. मतलब ये budget phone है, बट उसका जो पैकेजिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यू नो दिस इज काइंड ऑफ 15,000 रुपी फोन के लिए इतनी तामझाम, बट दे हैव डन इट, सो गुड टेक्नो, वेरी गुड। ये जो चीज है ना बहुत अच्छी है। चलिए ये रखते हैं साइड में एंड फोन के पास देखते हैं। वैसे जब आप खरीदोगे आपको ये बॉक्स मिलने वाला है, सो रिमेंबर दैट, नहीं तो आप कहोगे कि आपको भी मिलेगा। नहीं, यू विल गेट दिस। दिस इज द रिटेल बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ब्लू कलर, टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G। ये नाम है, बड़ा नाम है। ऑलराइट, वैसे फोन हाथ में मॉडर्न लगता है, फ्लैट साइड्स वगैरह हैं, सब कुछ बात करेंगे क्या है लेकिन बॉक्स के अंदर और देखते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले यूजर मैनुअल एंड वारंटी, देन यू हैव अ इंटरेस्टिंग केस, टीपीयू केस है, लेकिन लुक एट दिस, ओके। एंड और कैमरा मॉड्यूल भी देखिए, थोड़ा अलग है, ऑड साइज है, अलग दिखता है। 68 वॉट चार्जिंग, 15, ये सेगमेंट फर्स्ट डेफिनेटली है। 15,000 के नीचे आई थिंक अप टू 30 वॉट आपको मिलता है, बट 68 वॉट का अडैप्टर है। देन यू हैव छोटा सा हम्बल सिम कार्ड टूल, यूएसबी टाइप A टू टाइप सी चार्जिंग केबल। सो यही है दोस्तों, वाओ, आई एम इंप्रेस्ड विद द चार्जिंग अडैप्टर, वेरी नाइस। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, टाइम टू लुक एट द फोन। ओह माय गॉड, दिस इज अ गुड लुकिंग फोन, रियली नाइस लुकिंग फोन। ये देखिए कलर्स, दो कलर्स आते हैं, डार्क इल्यूजन एंड सिल्वर फैंटेसी। ऐसे ग्लास बैक, क्लियर ग्लास बैक लग रहा है, बट आई थिंक इट इज प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, बट वाओ वेरी गुड क्वालिटी, सुपर प्रीमियम लगता है। एंड इवन दैट कैमरा मॉड्यूल जो है, वेरी नाइस, नॉट बैड। लेकिन केस के साथ आप इसे इस्तेमाल कीजिए, वरना थंबप्रिंट एंड डस्ट मैग्नेट तो जरूर है ये। दोस्तों फ्लैट साइड्स है एंड वजन में स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड। वैसे स्क्रीन गार्ड आता है लगा हुआ, अच्छे क्वालिटी का है, लेकिन हम निकालने वाले हैं आवाज के लिए। अरे नो साउंड, एनीवेज चलो ठीक है। वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, बड़ी बैटरी है, 5000 मिली एम्पीयर की, शुड बी 197-198 ग्राम्स, लेट्स सी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, बट इट इज ऑन द हेवी साइड फॉर श्योर, बड़ा फोन भी है, हाथ में जब लोगे तो पता चलता है, एंड स्टर्डी भी लगता है बहुत हाथ में। वैसे दोस्तों प्रोटेक्शन के बारे में पता नहीं है, है नहीं है, हम गिरा के देखेंगे, अगर कुछ होता है तो आपको पता चल जाएगा। 1, 2 and 3 नहीं, कुछ नहीं, पीछे से देखते हैं। 1, 2 and 3 पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे 3.5 mm जैक आता है, सो दैट इज गुड। माइक्रोफोन है, यूएसबी टाइप सी है, स्पीकर ग्रिल है। राइट हैंड साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, जो बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। देन वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल आता है, नॉइस कैंसिलिंग नहीं, माइक्रोफोन नहीं है, स्पीकर ग्रिल है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे मिलता है। वैसे इसके वेरियंट जो बेस वेरियंट है वो भी 128 GB का ही है, तो दो वेरियंट आते हैं, 128 GB एंड 256 GB। यस, ओ नाइस, ये देखिए डुअल सिम कार्ड स्लॉट है, एंड देन यू ऑल्सो एसडी कार्ड स्लॉट, सो यह ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, विच इज वेरी गुड, तो स्टोरेज वगैरह आप एक्सपैंड कर पाओगे। यस, टाइम टू स्टार्ट द फोन, बाहर से तो देख लिया, अब अंदर देखते हैं दोस्तों। ऑलराइट टेक्नो, वैसे आपको बताऊं ये जो दिख रहा है ना, ये 3D आर्क डिजाइन कहते हैं, एंड इसमें RGB लाइट्स है। यस, RGB है, अभी तक हमने LED लाइट्स देखे हुए हैं सिंगल कलर, बट इसमें अलग अलग कलर के लाइट्स है। आई वॉन्ट टू सी दैट। ओ लुक एट दैट, स्टार्ट हो रहा है दोस्तों फोन, लुक एट दैट कलर, वेरी नाइस, नाइस बिग डिस्प्ले। वैसे दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले आता है, 120
60Hz fast refresh rate, 240Hz touch sampling rate hai, and this is a IPS LCD display. But very nice, 240Hz TSR bhi hai, so that is good. Agar bezels ke baare mein baat karun, side ke upar ke bezels average hai. Chin bhi main kahunga theek thaak hai. Yaad rakhiye dosto, 15,000 ka phone hai. 14999 for 128GB variant and 15999 for 256GB variant. Dosto, agar brightness ke baare mein baat karun, then this is 580 nits brightness hai. Decent hai, I mean outdoors mein bhi zyada problem nahi hai. Indoors to bahut acha dikhega. Colors wagaire acche hai. Quality of display is also quite good. Side viewing angles bhi acche hai. So IPS LCD ki quality achhi. Let's talk about specifications. Dosto, ye aata hai naye Dimensity 6080 is processor ke upar. Ab ye naming convention mujhe samajh mein nahi aata hai, lekin it is closer to Qualcomm Snapdragon 695. Agar Antutu score ke baare mein baat karun, to 3.5 to 4 lakh ke beech mein iska Antutu score aata hai. Closing to 4 lakh. Isme do variant aate hai. 8GB RAM is uniform. 8 plus 128 and 8 plus 256. LPDDR4X RAM type hai. UMCP storage type hai. UMCP matlab UFS 2.1 se zyada achha, closer to UFS 2.2. 5000 mAh ki battery aati hai and 68 watt charging hai. Matlab literally 15 minutes mein 50% aapka charge ho jayega. Waise 6nm processor hai dosto, aapko aaram se battery 5000 mAh ek der din jayegi. But khatam bhi ho gaya hai. Aapne bahut zyada gaming wagaire kiya, khatam ho gaya. Fast charging bhi hai. Agar OS ke bare mein baat karu, high OS jo Tecno ka hai, high OS 13 aata hai, which is based on 13.1, which is based on Android 13. ये आता है, bloatwares है थोड़े बहुत हैं जो आप uninstall कर पाओ. वैसे OS updates के बारे में कुछ बताया नहीं है Tecno ने. It should be about 1 year major updates हो सकता है, पता नहीं है. 1 year major and 2 year security updates might be. वैसे ये bypass charging को भी support करता है, मतलब gaming में आपको सीधा charge करके खेलना है, battery बाजू को हट जाएगी, directly motherboard को power जाएगा and you know you'll enjoy gaming basically, lag free gaming आपको मिलेगा उसकी वजह से. So bypass charging is there. और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज, मल्टी कलर वाइब्रेंट बैकलाइट. जी हाँ, अलग अलग कलर्स हैं एंड कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है. इनफैक्ट म्यूजिक विजुअलाइजेशन है, जब आप म्यूजिक वगैरह लगाओगे तो पीछे यू नो लाइट्स जो है वो डांस करेंगे, अलग अलग कलर्स दिखेंगे आपको. लेकिन अगर आपको बंद करना है वो भी कर पाओगे, सो दैट इज ऑल्सो देयर. नोटिफिकेशन अगर आते हैं तो आपको पीछे अलग अलग कलर्स में दिखेंगे, दैट इज ऑल्सो देयर. बूट जब आप करते हो, जैसे मैंने दिखाया, स्टार्ट करते समय भी आपको लाइट्स दिखेंगे. सो यू नो दे हैव इंप्लीमेंटेड इट क्वाइट वेल एंड दिस इज द फर्स्ट फोन जिसमें मल्टी कलर आया हुआ है लाइट, नहीं तो सिंगल कलर ही हुआ करता था. सो यू नो द शो ऑफ के लिए तो डेफिनेटली दिस स्टैंड्स आउट. एंड व्हाट सरप्राइजेस मी कि एक 15,000 का फोन है, मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ 15,000 रुपी फोन, बट है इसके अंदर. तो सो अगर 6080 डायमेंसिटी के बारे में, ये 5G प्रोसेसर है एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे इसके ऊपर, आराम से पबजी वगैरह खेल पाओगे. मीडियम सेटिंग्स पे खेलिए एंड बड़ी स्क्रीन होने की वजह से, 120Hz होने की वजह से गेमिंग करने में भी आपको मजा आने वाला है. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट सेंसर. सभी सेंसर्स आते हैं इसके अंदर. साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है एंड वर्क वेल. मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले बड़ा है एंड अच्छा कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले. बट व्हाट सरप्राइज्ड मी वाज द ऑडियो दोस्तों, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं और ये डीटीएस ट्यून्ड स्पीकर्स हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी है. तो लाउड भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, ओवरऑल मल्टीमीडिया के लिए भी ये फोन बहुत अच्छा है. वैसे ओएस में बताना भूल गया दोस्तों, इसमें 8GB वर्चुअल रैम भी आती है, तो 8+8. दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं, अगेन वेरी गुड. 5G है, 10 5G बैंड का सपोर्ट है, सभी बैंड जो है वो सपोर्ट होते हैं इंडिया में, सो दैट इज एक्सीलेंट. डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट भी आता है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.1 है और जैसे मैंने कहा NFC भी है. अनदर सरप्राइजिंग थिंग, इसका कैमरा. आई मीन ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ अच्छा कैमरा, बट इसने मुझे सही में प्लेजेंटली सरप्राइज किया. अगर मैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो प्राइमरी सेंसर ही अच्छा है, 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, बाकी आई थिंक 2 MP का AI है. तो डुअल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, आगे आपको 16 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है. बट आपको पता है 2K वीडियोग्राफी सपोर्ट करता है, 2K 30 FPS एंड नॉट ओनली ऑन द रेयर बट ऑन द फ्रंट एज वेल. हमने कुछ HDR के फोटोज निकाले और मैं ओरिजिनल क्वालिटी में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए, वो उसकी लिंक दे रहा हूँ. व्हाट सरप्राइज मी वाज कलर्स अच्छे थे. अगर मैं शार्पनेस के बारे में फोटोज की बात करूं वो अच्छा था, पोर्ट्रेट में जो एज डिटेक्शन है वो भी ठीक ठाक था, बट HDR परफॉर्मेंस जो है आउटस्टैंडिंग. आई मीन सीरियसली बहुत चीजें उन्होंने कंट्रोल की, मतलब अगेंस्ट ब्राइट सनलाइट भी अगर फोटो निकालते हो अच्छी तरह से, आए स्किन टोन्स वगैरह अच्छे, सेल्फी में भी स्किन टोन्स जो है वो अच्छे आते हैं. सो कलर एक्यूरेसी भी है, जैसे मैंने कहा आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी सो गुड बट इट सरपास्ड माई एक्सपेक्टेशन, स्पेशली द कैमरा. हाँ, लेकिन एक चीज है दोस्तों, अल्ट्रा वाइड इज नॉट देयर. जो सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड
अल्ट्रावाइड होना चाहिए था पहले, यू नो, दो तीन साल पहले आपको अल्ट्रावाइड मिलता था इवन इन 15-16,000 रुपए फोन, आजकल 20-25,000 के फोन में भी निकाल दिया है ब्रांड्स ने, सो दैट इज नॉट अ गुड ट्रेंड टू हैपन। अगर कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो स्काई पेंटिंग वगैरह, मतलब आपने फोटो निकाला और पीछे का स्काई आपको चेंज करना है तो वो सब आप कर पाओगे, एनहांस कर पाओगे आपके फोटोज को। डुअल मोड है, मतलब आगे और पीछे का कैमरा एक ही टाइम को आपको इस्तेमाल करना है वो कर पाओगे, तो वो सब फीचर्स है। पोर्ट्रेट मोड वगैरह जो है, स्लो मोशन, ऑल दैट थिंग्स आते हैं। तो दोस्तों यही है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G, और 15,000 के नीचे इट डज ऑफर यू लॉट, मतलब स्पेक्स वाइज ऑल्सो इट इज क्वाइट हैवी। डायमेंसिटी 6080 इज अ गुड प्रोसेसर इन दैट पर्टिकुलर प्राइस रेंज। आपको फास्ट चार्जिंग 68 वॉट की मिलती है विच इज रियली गुड। 5000 mAh की बैटरी है, 120Hz डिस्प्ले है, 240Hz टच सैम्पलिंग रेट है। कैमरा इज ऑल्सो इट पंचेस अबाउ इट्स वेट इस प्राइस रेंज में, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट कैमराज आउट देयर। और एक फोन से क्या चाहिए, मतलब 15,000 जब आप दे रहे हो और आपको ये सब चीजें मिल रही है, वेरी गुड, वेरी गुड। इन लास्ट फ्यू वीक्स वी हैव सीन सम रियली गुड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स, एंड टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G इज नो डिफरेंट। एक्सीलेंट फोन, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था, बहुत सारी चीजें ऑफर करता है, एंड दैट इज ट्रू। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।